यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा पुलिस ने धर दबोचा मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को। आरोपी ने पिता पर भी किया था जानलेवा हमला। 29 जनवरी 2019 को, मतलब करीब 3 साल पहले, नालासोपारा पश्चिम पाटनकर पार्क में जो घटना घटित हुई, उस घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दरअसल नालासोपारा पाटनकर पार्क इंपीरियल टावर सी विंग रूम नंबर 202 में रहने वाले नरेंद्र पवार, उम्र 53 वर्ष के बेटे ने शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में उनकी सारी जमा पूंजी को शेयर मार्केट में लगा दी। नरेंद्र पवार और उनकी पत्नी नम्रता पवार, उम्र 50 वर्ष को, जब यह बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। माता पिता का समझाना उस बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने घर में सोते समय अपने माता पिता के ऊपर चाकू, लोहे के हथौड़े और स्क्रू ड्राइवर से सिर पर अनगिनत वार किए, जिसमें नम्रता पवार की मृत्यु हुई और नरेंद्र पवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी बेटा जन्मेश पवार मुंबई छोड़कर फरार हो गया। घटना के तकरीबन 3 वर्ष बाद नालासोपारा जोन 3 की अपराध शाखा टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अपराधी बेटे जन्मेश को कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त परिमंडल 3 के सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रकांत यादव ने दी। साथ ही विलास सुपे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल सोनावड़े, अमोल तलेकर, आदिनाथ कदम, सचिन कामले की टीम ने मिलकर इस सराहनीय कार्यनामे को अंजाम दिया है। फिलहाल जन्मेश पवार पर धारा 302 और 307 के तहत गुनाह दाखिल कर आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। आइए देखते हैं ये पूरा मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। क्या मामला है? नालासोपारा पुलिस स्टेशन में 29 जनवरी 2019 में एक गुनाह दाखिल हुआ था, जो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर एक केस था। उसमें जो गुनाह दाखिल होने के बाद जो आरोपी है उसके पिताजी नरेंद्र पवार और उसकी माता नम्रता पवार, इनके ऊपर उसने हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर और चाकू से वार करके भाग गया था। तो उसमें उसके माँ की, नम्रता पवार की, देहांत हुआ था और पिताजी गंभीर जख्मी थे। तो इसी मुताबिक नालासोपारा पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 37/19 302-307 के मुताबिक अपराध दर्ज किया गया था। अपराध करने के बाद जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो गया था और उसने कुछ भी पीछे ऐसा पुराव नहीं रखा था जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। तो पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी बहुत 2 साल से, लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर अभी सीपी साहब ने मतलब इसका जो ये रिव्यू लिया था उसमें उन्होंने एक केस के बारे में थोड़ा डिटेक्शन करने के लिए वो आरोपी के तपास के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसी हिसाब से हमारे जो डीसीपी साहब है परिमंडल 3 के वागुंडे सर और मैं और इधर के सीनियर पीआई विलास सुपे साहब है, तो उन्होंने सबने मिला के इसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मालूम पड़ा कि वो आरोपी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। तो यहाँ से हमारी टीम एपीआई तड़ेकर, पुलिस नायक कदम और पुलिस नायक सचिन कांबड़े, ये टीम यहाँ से रवाना कर दी गई थी और उसको वहाँ पे ढूंढ के पूरा वो एरिया से छानबीन करके उसको लोकेशन निकाल के उसको यहाँ के पकड़ के लेके आए हैं और अभी पुलिस रिमांड में वसई कोर्ट में भेजा गया है। सर, क्या कुछ पता चला कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था? ही इज अ ड्रग एडिक्ट और व्हाट इज वो मार्केटिंग पैसे के बारे में उसका और पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था और वो शेयर बाजार में भी कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें भी लॉस हुआ था और उसी हिसाब से उसका पिताजी के साथ झगड़ा हुआ था, ये कारण उसने बताया है। अभी फिलहाल अपने वसई कोर्ट में रिमांड के लिए लेके गए हैं, अभी रिमांड लेके रिमांड के बाद मालूम पड़ेगा अपने को कितना दिन का पुलिस कस्टडी। बैकग्राउंड क्या है जिसने किया, बैकग्राउंड उसका एजुकेटेड, कितने एजुकेटेड, पढ़ा लिखा है अच्छी तरह से, लेकिन वो उसका ऐसा बैकग्राउंड मतलब उसका पहले का कुछ कंप्लेन या केस नहीं है बैकग्राउंड में, उसके ऊपर कुछ गुनाह वगैरह दाखिल नहीं है। क्या ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह जहाँ जिसमें लेते हैं उसका कोई डिस्प्यूट वगैरह कुछ ऐसा?
नहीं वैसा कुछ अभी तक तो नहीं है, और उसके इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस। उसको मतलब उसने पूरा इंटेंशनली ऐसा किया है कि उसका कहना था कि मेरे को टोटल ये फ्री ये होना चाहिए, और उसमें घर में थोड़ा सा पिताजी के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, तो उसी हिसाब से उसके दिमाग में आया था कि अपन पिताजी को कुछ ये करेंगे, तो लेकिन उसमें माँ बीच में आ गई, तो उसने झगड़े में माँ को भी मारा और पिताजी को भी वार किया, तो उसमें माँ की देहांत हुआ। माँ पिताजी का उम्र कितना और पिताजी क्या करते थे और माँ क्या करती थी? पिताजी और माँ के, पिताजी की उम्र उसके 53 साल है और माँ की उम्र 50 साल की है। पिताजी पहले क्या करते थे, रिटायर्ड लाइफ है क्या? हाँ रिटायर्ड लाइफ। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।